राज्यसभा में आज जब जयंत चौधरी यानी आरएलडी के प्रमुख ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर मोदी सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया तो नोकझोंक की स्थिति पैदा हो गई। विपक्ष के लोगों ने इस बीच आरएलडी पे आरोप लगाया, जयंत चौधरी पर आरोप लगाया कि वो पहले इंडिया गठबंधन के हिस्से थे लेकिन अब आपसी स्वार्थ अपने स्वार्थ की वजह से वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस मुद्दे पर जयंत चौधरी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह सबके नेता थे और उनको जो भारत रत्न मिला था उस पर वो अपनी बात रहे थे और उस समय विरोध प्रदर्शन जो विपक्ष ने किया वो गलत किया है। हालांकि एनडीए में जाने के सवाल पे आरएलडी प्रमुख ने कहा कि बातचीत चल रही है, जल्द ही आपको मालूम चलेगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मोदी जी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, वो चौधरी चरण सिंह के सोच वाली सरकार है। वो जिस तरह से काम करते थे उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काम करते हैं। जाहिर तौर पर एक तरह से इनडायरेक्ट तौर पर जयंत चौधरी ने यह इंडिकेशन जरूर दे दिया है कि वो अब इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ हैं और आने वाले दिनों में इसका ऐलान होगा। और इसी को लेकर राज्यसभा में जब वो बोल रहे थे तो इंडिया गठबंधन के लोगों को नागवार गुजरा कि उन्होंने स्विच साइड किया है, साइड स्विच किया है, और जाहिर सी बात है इसलिए सदन में वो जब बोल रहे थे तो नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें राज्यसभा के सभापति को भी इंटरफेयर करना पड़ा। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।